मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देश के बाद नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की एंटी माफिया अभियान के तहत प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई आज इंदौर में शुरू की। 38 एकड़ जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया, जिसकी कीमत लगभग 1,000 करोड़ बताई जा रही है। सौरभ पटेल, यूनस खान सहित 6 लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 2 मैरिज गार्डन, प्रेम बंधन और निवास, इसके अलावा करीब 80 स्थानीय दुकानों पर चले निगम के हथौड़े। कनाडिया रोड से 1 किलोमीटर पर की जा रही है अतिक्रमण की कार्रवाई। 2 प्रकार के निर्माण थे, एक तो पूरी सीलिंग की जमीन पर कई लोगों ने कब्जा किया होता, किसी प्रकार में उसमें किसी प्रकार से परमिशन नहीं ली गई थी। बिना बिल्डिंग परमिशन के करीबन 80 से 90 छोटी छोटी दुकानें बनाई गई थी। पूर्व में उन्हें नोटिस भी दिए गए थे और किसी प्रकार से समाधानकारक जवाब नहीं प्रस्तुत किया गया था, उसको पूरी तरीके से हटाया गया है। साथ ही आप राइट हैंड साइड पर देखेंगे तो कुछ सीलिंग की जमीन यहाँ पर आती है, साथ ही जो 2 बड़े बड़े गार्डन बने हुए हैं इन्होंने बिना बिल्डिंग परमिशन के बनाया गया था, पूरी तरीके से अवैध थे। पूर्व में भी नोटिस जारी किए गए थे और नोटिस में किसी प्रकार से समाधान कार्य जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था, अर्थात कोई बिल्डिंग परमिशन के कागज प्रस्तुत नहीं किए गए थे। साथ ही एक जो प्रेम बंधन गार्डन है उसमें एक बिल्डिंग परमिशन का कागज लगाया गया था, जो कि बहुत क्लियर लगता है कि वो जालसाजी से बनाया गया है। उसमें एक बिल्डिंग परमिशन ग्राम पंचायत के टाइम पर लगी हुई है, जिसमें सरपंच के सिग्नेचर है। ग्राम पंचायत में भी वो नियमों में क्लियर उल्लेख है कि बिल्डिंग परमिशन तभी वैलिड मानी जाएगी जबकि उसमें सरपंच और सचिव के दोनों के साथ साथ हस्ताक्षर हों। तो ये क्लियर हुआ कि वो गलत तरीके से ली गई है, अतः अवैध निर्माण था। अवैध निर्माण को तोड़ा गया है पूरी नोटिस देने की कार्रवाई के पश्चात। साथ ही चूंकि आवेदक ने और तत्कालीन सरपंच ने गलत तरीके से बिल्डिंग परमिशन इश्यू की थी, इसलिए उनके अगेंस्ट में FIR की कार्रवाई भी की जा रही है। लगभग 6 लोगों के इसमें नाम है, जो खसरे में 6-7 लोगों के नाम है, उन सभी पर और स्पेशली उन 6-7 लोगों ने अपने बिल्डिंग परमिशन में और जो हमारे पास कागजात प्रस्तुत किए थे, आवेदन दिया था, उन सभी पर कार्रवाई की जा रही है। हाँ, यूनिस पटेल भी हैं और उत्तम पटेल भी हैं। लगभग ये 38 एकड़ जमीन है और उसका मूल्य लगभग 1,000 करोड़ के आसपास। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, KNN न्यूज़।